पंजाब दे लई वड्डी खुशखबरी यह है कि बादल परिवार तो पंजाब का खहड़ा छुट गया, क्योंकि यह खेतरी पार्टी चाहिए सी। मैनू लगता है अज की जित तो बाद सरदार सिमरजीत सिंह की माण जिहड़ी पार्टी है जिहड़ी यह पंजाब की खेतरी पार्टी असली होगी, क्योंकि बादलों ने पिछले 50 साल के अंदर पंजाब का खास करके मैं कहूँगा सिख कौम का इन्ना नुकसान किया है, शायद मेरे देख 1716 तो लेके तो 1766 तिकर ना होया हो, उदों भी 51 साल का पीरियड बनता, 50 तो 51 साल का पीरियड इन्हों का बनता है। सो वो भी खात्मा होकर सिख राज शुरू होया सी, जिंदे अंदर हिंदू मुसलमान सिख सारे इकट्ठे रहे सी। ते उम्मीद बड़ी है 51 साल के बाद इस परिवार का राजनीति चो बाहर जाना, एहो जे पॉलीटिशन का बाहर जाना, सरदार सिमरजीत सिंह मान का सियासत का पंजाब दे विच अगे आना, मैनू लगता पंजाब एक बड़ी वड्डी तरक्की करेगा ते पंजाब जिहड़ा एक बहुत वड्डा उभर के सूबा सामने आवेगा। खरा साहब, सिमरजीत सिंह मान बारे जदों गल आम आदमी पार्टी के विधायकों के नाल करते तां देव मान होरां दा बयान आउंदा, कहिंदे सिमरजीत सिंह मान की गल करदे हो तां भाई चले हुए कारतूस ने, उन्हां तों होणा कुछ नहीं, यह बयान उन्हां दा आया। यह जिहड़ा हंकार हुंदा ना यही मारदा हुंदा है, जिवें एक दिन पहले अकाली दल ने उन्हां दा लैटर पैड ते एक गलत मैसेज देना, फिर उन्होंने नाँ नूं गलत थां ते वरत के एक दिन पहले होर थां ते भी कोई मैनशन करना, यह चीज़ां हंकार हुंदा। जिवें इन्हां दा हरपाल सिंह चीमा एडवोकेट जिहड़ा फाइनेंस मिनिस्टर है उन्हां भी यह लफ्ज कहना कि हंकार है जिहड़ा वह डिगदा हुंदा, इन्हां नूं यह नहीं पता यह समय दे नाल बहुत वड्डे वड्डे राज करन वाले दुनिया तो लद गए, राज करन वाला तां इत्थे सिकंदर नहीं रहा, पता चीज़ ही की आ। सो यह हंकार है जिहड़ा अज इन्हां नूं वह लै डुब्बा है, तो सो मैनूं लगता कि जे इन्होंने पंजाब के मुद्दे आपदे सॉल्व ना किते तो शायद 2027 दे विच बिल्कुल ही खत्म हो जाए। तो की लगता 3 महीनों के इन्नी छेती मोह भंग हो जाना, कहते हजे तक वो हजे समय ही मंग रहे थे, लोगों का मोह भी भंग हो गया 3 महीने के। देखो मैं थोड़ा फिर उही गल कही जाना, ठीक है लोग चुप रहिंदे सी, बादलों के प्रभाव थले सी, बादलों तो लोग डरते सी। गुरु ग्रंथ साहब नूं गलियां च रोलना, उस बंदे नूं प्रमोट करना जिन्हें गुरु गोबिंद सिंह महाराज का पहरावा पा के पंजाब दे विच गुरु गोबिंद सिंह महाराज का मजाक बनाया होवे, ते साडे जिहड़े सिख ने उह बादलों के मगर तुरदे होण, ऐदू ते पंजाब ते माड़ा टाइम किहड़ा आऊगा। सो किते ना किते जाख्या देखिया जावे तो सरदार सिमरजीत सिंह मान ये जिहड़े सी इस गल नूं उहनां दे अगेंस्ट सी, ये नाल खड़दे सी, ते अज लोकां ने भाई किसी भी कौम का सी उन्होंने सरदार सिमरजीत सिंह मान नूं अगे लिआंदा है, इसे करके लिआंदा कि पंजाब दे अंदर यह गंदा कल्चर जिहड़ा खत्म होना चाहिए। तो हुण की मनीए कि एक जिहड़ा भरम भुलेखा पिया होया सी कि संगरूर भाई साडा गढ़ आ, संगरूर साडा घर आ, संगरूर तो सानूं कोई हैरान नहीं सकता, तो यह फिर भरम भुलेखा ही सी? नहीं नहीं नहीं, यह तो भरम भुलेखा तो अंग्रेजा से भी सी, उस तो पहलों अफगानिया मुगलों सी, यह भरम भुलेखे कट देने चाहिए ने। पंजाब उही राज करेगा जिहड़ा गुरु ग्रंथ साहब नूं मनेगा, तो गुरु गोबिंद सिंह महाराज की उस्तत करेगा, जिहड़ा भाईचारे की गल करेगा तो पंजाब की गल करेगा, जिहड़े पंजाब दे हक्कां दी गल करेगा पंजाब दे विच हुण उही राज करेगा, क्योंकि हुण फेसबुक है जिहड़ी एक एक सकिंट दी न्यूज़ दिंदी है, हुण किसी का फ्रॉड नहीं चलना पंजाब दे। आखिरी सवाल होगा कि मनदे हो कि सिक्ख्या लैनी पवेगी इस हार तो आम आदमी पार्टी नूं, खासकर भगवंत सिंह मान? हुण यही इन्हां नूं सिक्ख्या लैनी चाहीदी है कि अपने पंजाब दे हक की गल करो, जिहड़े उत्ते बंदे भेजे ने वह काबल नहीं, दिल्ली दे कहण ते राज ना कर, जिन्हां ने गुरु ग्रंथ साहिब गलियां च रोलिया उन्हां नूं अंदर भेज, जिन्हां ने दो मर्डर कराए ने चाहे सीएमसी चाहे डिप्टी सीएमसी उन्हां नूं अंदर भेज, तो उस तो बाद तेरा राज सही रहेगा।